डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं विनोद गुप्ता, रियल स्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। आज मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को सेक्टर 34 रोहिणी के बारे में, आज के रेट्स के बारे में बताना चाहता हूँ और इसके साथ क्या आज की डेवलपमेंट्स हुई है। मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2023 की, और आज मुझे खुशी हो रही है दो चीज़ों के बारे में बताते हुए। वन, सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ पर हमारे सब्सक्राइबर 1000 हो गए हैं, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आने वाले टाइम में मेरी कोशिश रहेगी आपको अच्छी वीडियो, जो आपको नॉलेज दें प्रॉपर्टी के बारे में, मैं बताता रहूंगा। और इसके साथ में जहां कोई और नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, जहां इन्वेस्टमेंट्स की होगी वो बताऊँगा, और जहाँ रहने लायक प्रॉपर्टीज़ हैं सस्ते दाम में मिल रही है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। कितने समय लगेगा वो सारी मेरी रिसर्च रहती है, वो मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो नियर एंड डियर को रिकमेंड कीजिए। और रोहिणी के बारे में इन्वेस्टमेंट्स की कोई भी बात हो या आसपास की सेलेक्ट पीडीआई कुंडली, तो सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ से संपर्क कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप हमारी वीडियो को भेजिए, ताकि सभी का फ़ायदा हो, हमारा भी सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा और इसके साथ में मुझे भी एक अपने में और कॉन्फिडेंस आप लोगों की सब्सक्रिप्शन से आएगा। और मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और अच्छी वीडियोस बनाने की का प्रयास करूँगा। मेरे दोस्तों, सेक्टर 34 की मैं आज बात करना चाहता हूँ। दो जो नई डेवलपमेंट हुई है, वन, पिछले 11 तारीख को रिठाला मेट्रो से मेट्रो कनेक्ट होते हुए सेक्टर 24-25 से जाएगी, फिर 36-37 से जाएगी, फिर सेक्टर 35, सेक्टर 34 और फिर बवाना, फिर नरेला और ये कुंडली तक जाएगी। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी नरेला से कुंडली तक इसको बढ़ाने के लिए नथुपुरा तक अलाउ कर दिया है, एंड इट विल पास थ्रू कुंडली, जो मैं बार बार कहता रहा। तो खुशी की बात, रोहिणी में जो नई प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं वो लोग सेक्टर 34 में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो 34 में अब पक्का हो गया है कि आपकी मेट्रो बहुत जल्द यहाँ से निकलेगी और 34C5 प्रॉपर्टी जो है वहाँ से मेट्रो निकलेगी। इसके साथ मेरे दोस्तों, दूसरी खुशखबरी ये है कि UER2 कम्प्लीशन की तरफ है। 70-80% काम कंप्लीट हो गया है, जो अलीपुर जीटी रोड, जो दिल्ली और पानीपत के बीच में जो जीटी रोड है टूवर्ड्स हिमाचल, चंडीगढ़ वगैरह जाता है, वो दिल्ली नरेला के पास में अलीपुर है, अलीपुर दिल्ली के अंदर रहता है, वहाँ से ये UER2 स्टार्ट होगा। और ये होते हुए बवाना एक तरफ में सेक्टर 34 रोहिणी और 35, 36, 37 से होता हुआ ये आपका कराला से मुंडका टू द्वारका एक्सप्रेस वे को क्रॉस करते हुए IGI एयरपोर्ट के पास में ये शिव मूर्ति गुड़गांव रोड पर आपको ज्वाइन करेगा। तो ये रोड गुड़गांव से जो लोग शिव मूर्ति से आना चाहेंगे और सेक्टर 34 आना चाहेंगे तो उनको 25 मिनट का टाइम लगेगा, या फिर सेक्टर 34 में अगर आप रह रहे हैं और आप गुड़गांव जाना चाहते हैं तो आधे घंटे में आप गुड़गांव शिव मूर्ति पर पहुँच जाएंगे। पूरा जो भी आपका जाम पीरियड है वो टोटल ख़त्म हो जाएगा। मोर टू दिस, जो स्पीड रहेगी आपकी UER2 एक्सटेंशन पर, सिग्नल फ्री होगा, वो 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आज इसके साथ में दो जो नई बातें मैंने आपको बताई है, और इसके साथ में अब सेक्टर 34 में जो फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं, DDA के प्लॉट्स हैं, और शायद अगले साल वो बनने शुरू हो जाएंगे। रीज़न बिंग UER2 के बारे में भविष्यवाणी हो जाएगी और अनाउंसमेंट हो जाएगी, सॉरी, और वो शायद काम भी कभी बहुत जल्द शुरू हो जाए। दूसरा, UER2 अक्टूबर 2023 में पूरी उम्मीद है कि वो शुरू हो जाएगा। तो साथ में जो ये सेक्टर 34 के साथ में भवाना इंडस्ट्री एरिया है, नरेला इंडस्ट्री एरिया है, कुंडली इंडस्ट्री एरिया है, तो ये लोग भी इस रोहिणी के प्लॉट्स को यूज़ करेंगे। यहाँ मकान, क्योंकि इनको 2-4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ेगा, तो दिल्ली की प्रॉपर्टी है, सेफ प्रॉपर्टी है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है, पानी बिजली की सुविधा हरियाणा से बेटर होती है। हरियाणा में बिजली पानी की प्रॉब्लम सभी को पता है, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे कोई भी और एरिया हो, सब जगह आपको जनरेटर रखकर काम चलाना पड़ता है, सब जगह कट है, लेकिन दिल्ली में कोई बिजली का कट नहीं है, पानी की सुविधा है। और जैसे अब बाढ़ के बारे में हमने देखा है, जितना भी ट्रांस यमुना एरिया कनेक्टेड है यमुना से,
वहाँ पर बाढ़ आपने देखी है, वो चांसेस हर साल रहेंगे, कभी भी रहेंगे, बट रोहिणी ऊंचाई पर है, रोहिणी के आसपास में कोई ऐसी नदी नहीं है, तो आप उस के प्रभाव से भी दूर रहेंगे, आपके लिए कभी कोई खतरा बाढ़ वगैरह का नहीं है। आप पक्के मकान बनाएंगे तो आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंस मकान बनाइए, अर्थक्वेक का भी आपको खतरा नहीं रहेगा। फैसिलिटीज़ की बात करूँ, हॉस्पिटल, मार्केट्स, स्कूल्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें सेक्टर 24 के आसपास में अवेलेबल है, क्योंकि बहुत पुराना सेक्टर हो गया, 8-10 साल 12 साल अलॉटमेंट को हो गए, इसलिए इस सेक्टर को इसके साथ 27-28 है, इसलिए आबाद एरिया होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप 2-3 साल में यूज करने की सोचते हैं तो इस जगह को आप यूज़ कर सकते हैं। आगे जो रेट की मैं बात करूँ, आज 26 मीटर आपको 33-34 लाख रुपए का मिल पाएगा, कम से कम की बात कर रहा हूँ, और 32 मीटर की बात करूँ आप 45-40 लाख रुपए का अच्छी पॉकेट में मिल पाएगा। मैं कैश पेमेंट की बात कर रहा हूँ, 60 मीटर का प्लॉट आप लेना चाहेंगे तो 90-92 लाख रुपए का कैश पेमेंट पर मिल पाएगा। आपके पास पेमेंट है, आप हमारे पास आइए सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ पर, और हम आपको सेक्टर 34 में इन भाव में प्लॉट्स दिलाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो रेट्स मैंने बताए हैं ये डेस्परेट सेल के होते हैं, जो लोग बेचना चाहते हैं कम टाइम पर, ये प्राइसिंग उन लोगों के लिए हैं जो खरीदा है, और टाइम पे आप ख़रीदना चाहते हैं तो 1-1.5 रुपये का 1% का ब्याज जुड़ जाता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। फ्री होल्ड प्लॉट होंगे, बैंक से लोन मिलेगा आपको, अगर कोई लोन भी लेना है, किसी भी बैंक से लेना है, उसकी सुविधा भी हमारे पास है। कंस्ट्रक्शन लोन चाहिए तो भी हम आप लोगों को दिलवाएंगे, और कोई किसी तरीके से प्रॉपर्टी संबंधित लोन चाहिए तो हम आप लोगों को सुविधाएँ दिलवाएंगे, हमारे साथ रिसोर्स चाहिए। इसके साथ कोई लेजनिंग का काम है, लीज होल्ड कोई फ्री होल्ड है, या कोई म्यूटेशन केस है, या लीज आपका पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है सेक्टर 34 रोहिणी में, आप सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ में पुराने 20-25 साल से काम कर रहे लेजनिंग एजेंट्स हैं, फ्री होल्ड के भी और सब, और आपको ट्रांसपेरेंट और साफ सुथरी डील हमारे यहाँ से मिलेगी, कोई चीटिंग ये वो ना हमारे ब्लड में है, ना कहने का मेरा मतलब पीछे 25 साल से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ऐसे कभी भी हमने कोई इंटेंशन से काम कभी भी नहीं किया, ना इधर बाज़ार के अंदर आप क्रॉस चेक करेंगे कि सोना गुप्ता प्रॉपर्टी गलत आदमी है, सही आदमी है, फेक आदमी है, चीटर, आप क्रॉस में बात कर लीजिए, अगर आपको कहें ठीक है तो आप हमारे से बात कीजिए, इससे ज़्यादा मैं और क्या कर पाऊँगा, क्योंकि सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ के नाम से ही मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। अब मेरे दोस्तों, आप यहाँ जो प्लॉट लेना चाहते हैं तो 26 मीटर पेड़ भी ले सकते हैं, 32 मीटर पेड़ भी ले सकते हैं, 60 मीटर पेड़ भी ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर्स के लिए, अगर इन्वेस्टर कोई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जब 3-4 साल का टाइम होगा तो मुझे लगता है कि यहाँ के पैसे डबल हो जाएंगे। रोहिणी में जो भी और एरिया है उससे अच्छी ग्रोथ सेक्टर 34 में आएगी, रीज़न बीइंग अंदर का एरिया कंजेस्टेड हो गया, मार्केट फैसिलिटीज सभी जगह मिल रही है, मेडिकल सब जगह मिल रहा है, थोड़ा सा ये सारी फैसिलिटीज़ मिलने में समय लगेगा, बट यहाँ से जो रोड की कनेक्टिविटी होगी, एक तो एयरपोर्ट जाने के लिए, या आपने हरियाणा जाना है, या माता वैष्णो पे जाना है, या हरिद्वार जाना है, तो सेक्टर 34 से आप बिल्कुल बाहरों बाहर निकल के जा सकते हैं। एयरपोर्ट से आना है, आधे घंटे में पहुँच गया, और नई दिल्ली पुरानी दिल्ली मेट्रो सॉरी रेलवे स्टेशन की बात है, वो मेट्रो कनेक्ट आपको कर ही रही है, और 10-12 मिनट का अलग से फ़र्क पड़ेगा। जो आज पुराने सेक्टर्स की बात करूँ मैं, सेक्टर 11-16 वगैरह की बात करूँ, प्राइस की बात करूँ तो आपको 1/3 प्राइस पर मिल रहा है। सिलाई का 60 मीटर का प्लॉट हम लोग आपको 1.92-1 करोड़ रुपए के बीच दे रहे हैं, और यहाँ पर 2.5-3 करोड़ रुपए के करीब। तो मेरे दोस्तों, 1/3, 1/3 में आपको प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, यहाँ का 1.25-1.5 लाख रुपये का रेट है पर स्क्वेयर यार्ड का, और जगह बात करूँगा रोहिणी में 5 लाख रुपये के करीब का रेट है, और दूसरी दिल्ली की बात करूँ, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, इन सब की तो 7-8 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड का भी रेट है। अब जो नई इन्वेस्टमेंट गुड़गांव में है वो भी 1.25 लाख रुपए का रेट है, वहाँ मैक्सिमम रेट 3-3.5 लाख का। तो रोहिणी सेक्टर 34 में आपको क्यों पैसे लगाने चाहिए, इसलिए कि रेट 1.25 लाख रुपये है, गुड़गांव में जो नई प्रॉपर्टी लेते हैं उसके बराबर है, कनेक्टिविटी अच्छी है, दिल्ली है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत, पानी बिजली आपको मिल रहा है, गुड़गांव में सब जगह जनरेटर सेट चाहिए, पानी और बिजली की प्रॉब्लम प्राइवेट प्लॉट्स में रहती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। इन सभी चीज़ों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ पर आपको प्लॉट लेना चाहते हैं
या बेचना चाहते हो तो लोन के साथ हम आपको सेवाएं देंगे, संपर्क कीजिए। और सेक्टर 34 में कोई भी सर्विसेज चाहिए संपर्क कीजिए। थैंक यू।